नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं असीम मनचंदा। मोदी सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री रामविलास पासवान है। पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 साल होने वाले हैं मोदी सरकार को और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, तो आप 3 साल की उपलब्धियाँ इस मंत्रालय में किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, हमने जो टारगेट रखा था हमने करीब करीब सब पूरा कर लिया। सबसे तो पहला टारगेट हमारा था कि पूरे देश में फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लागू करें, और जब हम आए थे उसमें बिल्कुल आधा अधूरा सिर्फ 11 स्टेट में था। आज जो है करीब आज सभी 36 राज्यों में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो गए हैं, और फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होने के तहत उसके अंतर्गत हम 71 करोड़ लोगों को 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल दे रहे हैं। हालांकि 81 करोड़ लोग उसमें इंटाइटल्ड हैं, मिलना चाहिए, लेकिन बहुत से राज्य सरकारें जो हैं वो जितना उनका नंबर है उसके मुताबिक नाम उन्होंने नहीं दिया है, उनको देना चाहिए। तीसरी बात है कि हम पिछले 4 साल में 1 नया पैसा भी नहीं बढ़ाए हैं। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल दे रहे हैं। हम गेहूँ खरीदते हैं 22 रुपये किलो, हम देते हैं 2 रुपये में, 20 रुपया हम अपने पॉकेट से देते हैं भारत सरकार के खजाने से। चावल खरीदते हैं 33 रुपये, देते हैं 3 रुपये में, 30 रुपये देते हैं। बहुत कम राज्य सरकारें हैं जो अपने खजाने से कुछ पैसा देती है, लेकिन हर राज्य सरकार कोशिश करती है कि हम वाहवाही लें कि हमने जो है हम बेनिफिशरीज को दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिहार है या यूपी में, हमारी सरकार अभी आई है यूपी में, अब यहाँ ये लोग 1 नया पैसा नहीं दे रहे हैं। 2 रुपये जो है हम देते हैं 20 रुपये, और 2 रुपये जो बेनिफिशरी जो है जो गरीब है वो देता है, लेकिन ये लोग शो करने की कोशिश करते हैं कि राज्य सरकार दे रही है। अभी इसको लेकर के आपने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। अभी हमने गाइडलाइंस दिया है कि आप लिखो कि भारत सरकार कितना देती है और राज्य सरकार कितना दे रही है और बेनिफिशरीज कितना दे रहा है। तो ये क्या कहते हैं कि एक है। दूसरा है खाद्य विभाग में कि जो खाद्य विभाग के हमारे FCI कर्मचारी थे, हर जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे के सारे कर्मचारी को पेंशन मिलता है, उनको पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट था उनको क्या कहते हैं कि FCI में नहीं दिया जा रहा था। उसको हमने शुरू करने का काम किया। हम जब आए थे तो उस समय में जो FCI का गोदाम था उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, काफ़ी क्या कहते हैं कि उसमें डैमेज होते थे, काफ़ी लॉस होता था। उसको हमने जो है ठीक करने का काम किया, और आज जो लॉसेस हैं वो 0.04% हैं। सर, जून तक आधार से जोड़ने का राशन कार्ड को आपने टारगेट रखा है, क्या जिन लोगों को राशन कार्ड से आधार से नहीं जुड़ेंगे उनको जून के बाद राशन नहीं, कार्ड? एक तो हमारा पूरा उम्मीद है कि जुड़ जाएगा, चूँकि पूरे देश में 24 करोड़ राशन कार्ड हैं। 24 करोड़ में 17 करोड़ राशन कार्ड जो है ऑलरेडी आधार कार्ड से जुड़ चुके हैं, जो 77% है। और अभी हमने बुलाया था जनवरी के महीने में राज्यों के फूड मिनिस्टर की बैठक, और सब ने लेटेस्ट क्या कहते हैं कहा है जून, और एक दो राज्य हैं जो उन्होंने कहा कि दिसंबर तक जुड़ जाएगा। काफ़ी सारे राज्य काफ़ी पीछे हैं बिहार की बात। हाँ, बिहार में तो खैर बिहार में तो वैसे कुछ है, बिहार में तो 0.013% है, तो लेकिन अन्य राज्यों में 100 काफ़ी 10-12 राज्य हैं जहाँ 100% हो चुके हैं। उससे क्या फ़ायदा क्या हो रहा है कि अभी तक जितने हमने राशन कार्ड को जोड़ा है आधार से, उसके कारण से 2,33,00,000 जो राशन कार्ड हैं वो जाली पाए गए हैं, मतलब करीब 9.5 करोड़ जो बेनिफिशरीज हैं वो जाली पाए गए, और उससे 14,500 करोड़ रुपया जो है वो बर्बाद होता था। हम लोगों ने उसको कहा कि इसको सुधारो, और उसके बदले में नए क्या कहते हैं कि लोग जो है बेनिफिशरी जुड़े हैं। तो आधार कार्ड से ये फ़ायदा है, राज्य सरकार को भी फायदा है,
कि जो जाली राशन कार्ड है वो हट जाता है, तो राज्य सरकार को करना चाहिए। इसके अलावा सारी जो मशीन्स लगानी थी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, POS मशीन लगाना था, अपग्रेड करना था सारा, उसका काम स्टेटस कितना हो चुका है पूरा, क्या सारी जगहों पर वो मशीनें पहुँच चुकी हैं? नहीं, हमारे कुल मिला करके जो क्या कहते हैं कि 5,00,000 और 27,000 फेयर प्राइस शॉप हैं, दुकान हैं, तो उसमें से करीब करीब जो है 1,77,000 जो है दुकान में जो है पॉस मशीन जो है लग चुका है। लेकिन हमारा जो टारगेट है अब नया पॉस मशीन लगाने का है, नया टेक्नोलॉजी के साथ में, जिसमें कैशलेस हो सके। तो अभी 50,000 दुकान हैं जहां कैशलेस पॉस मशीन है, और बाकी जो हैं पॉस मशीन उसका हमारा टारगेट दिसंबर तक है। इसके अलावा आपका एक बड़ा फैसला आया आपके मंत्रालय का सर्विस चार्ज को लेकर के, कि उपभोक्ताओं को सर्विस चार्ज जो है वो नहीं देना होगा। आप मानते हैं सर्विस चार्ज पूरी तरह से गैर कानूनी है और उपभोक्ता उसको? बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो हम कह सकते हैं कि सर्विस चार्ज गैर कानूनी है, ये ऑप्शनल है, किसी को देना है तो दे, नहीं देना है तो नहीं दे, मैंडेटरी नहीं है। और इसलिए हमने गाइडलाइन जारी किया है, दो चीज़ कहा है कि सर्विस चार्ज जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, और दूसरा एक कॉलम नीचे में खाली रखो जिसमें सर्विस चार्ज लिखा रहो, किसी को देना होगा तो दो, लेकिन उसका हिसाब रखो। लेकिन कई रेस्टोरेंट अभी भी चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसे में उपभोक्ता क्या करे, उपभोक्ता कहाँ जाए, कहाँ शिकायत करे? आप कुछ अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाकर कर सकता है, उसकी सुनवाई होगी कंज्यूमर कोर्ट में? बिल्कुल बिल्कुल, कंज्यूमर कोर्ट में सुनवाई हो रही है, फाइन भी किया गया है काफ़ी, MRP के संबंध में तो कई एक जगह फाइन भी किया गया है। तो उसमें हम लोगों ने कई किया, एक सर्विस चार्ज का मामला है, एक दूसरा हम लोगों ने कहा है कि जितना जो आप पैसा लेते हो तो कंज्यूमर को अधिकार है कि वो जान सके कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में उसके लिए हमको कितना जो है क्वांटिटी मिल रहा है। लेकिन अभी किसी को पता नहीं, जाके होटल में खाना खाता है 900 रुपया में पीजिए, सूप पीजिए, इतना प्रॉन का दीजिए, कितना कितना उसमें आएगा क्वांटिटी, ये किसी को पता नहीं है। जबकि राइट टू इन्फॉर्मेशन हर जो है उपभोक्ता का अधिकार है, तो उस पर भी हम लोगों ने ध्यान देने का काम किया है। तो क्या किसी तरह की गाइडलाइंस जारी होंगी इसको लेकर के कि कितना पोर्शन मिलना चाहिए, कितना? नहीं, वो तो एक्ट है कंज्यूमर का, वो तो गाइडलाइंस का, वो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है, उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बाहर में भी जाकर के देखिएगा तो उसमें जो 5 जो अधिकार हैं कंज्यूमर को जानने के अधिकार, जो राइट जो है, उसमें एक अधिकार उसका है कि आप जिस चीज़ के लिए 16 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा जो है 16B जो है उसके मुताबिक हर कंज्यूमर को अधिकार है कि वो जान सके जिस चीज़ के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं उसमें कितना हमको सामान मिलेगा। तो लोग अभी जागरूक नहीं, आपको लगता है सिर्फ जागरूक करने की जरूरत है या सिर्फ गाइडलाइंस? नहीं, जागरूक करने की भी आवश्यकता है, जिसलिए हमारा जागो ग्राहक जागो है, वो उसके माध्यम से हम जो है जागरूक कंज्यूमर को जागरूक भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा है, आपने MRP की भी बात की, तो डुअल MRP जो है काफ़ी कंपनियां चार्ज कर रही हैं, कहीं अलग दाम होता है पानी की बोतल का, कहीं दाम अलग होता है। आपने कंपनियों को कुछ चिट्ठी भी भेजी थी, तो कोई जवाब आया किस तरह से कंपनियों पर कोई कार्रवाई जो होने वाली? देखिए, दो तरह का मामला है, एक तो कोई भी जो पानी है बोतल का पानी है जिसमें ISI का मार्क नहीं रहता है वो जाली है, उसके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है, जेल जा सकता है। दूसरा, यदि एक ही बोतल है, कोई भी बोतल हो, किनले हो, कुछ हो, तो एक बोतल है तो उस बोतल का एक ही दाम रहेगा, चाहे आप सिनेमा हॉल के भीतर लीजिए या बाहर लीजिए। और यदि आप एक उसका आप ड्वेल क्या कहते हैं, आप अलग अलग चार्ज लेते हैं तो वो क्या कहते हैं कि इल्लीगल है। दूसरा, यदि एक ही बोतल का दाम एक जगह पर एक प्राइस MRP है, दूसरी जगह पर दो है, दूसरा है, वो भी इल्लीगल है। तो उसको हम लोगों ने सीरियसली लिया है, और हमको खुशी है कि BCCI जो है उन्होंने जो है फैसला लिया है, भेजा भी हम लोगों के पास में, कि जितने जो स्टेडियम हैं खेल के ग्राउंड हैं उनके भीतर और बाहर जो सामान बिकेगा एक ही रेट पर बिकेगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं
वो रेस्टोरेंट ने भी इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा एक उपभोक्ता की एक शिकायत है चीनी के दाम को लेकर के। चीनी के दाम अगर मैं बात करूँ तो देख, दो साल पहले 32 से 33 रुपए थे, आज बढ़ करके वो 42 से 43 रुपए उपभोक्ता को चुकाने पड़ रहे हैं, तो क्या वजह है इसके पीछे? नहीं देखिए, उसमें जो है हम लोगों ने बीच में आपको 22-23 रुपये तक भी आ गया था, तो हमको दोनों चीज़ को देखना पड़ता है, कंज्यूमर के दृष्टिकोण से जो भोगता है उसको भी देखना पड़ता है, और दूसरा ये भी देखना पड़ता है कि जो हमारा गन्ना का किसान है वो जो है उसको भी सही दाम मिल सके। तो 41 रुपया 42 रुपया तक जो है जब आता है तो वो सही दाम रहता है, उसके नीचे जब आता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है सो मिल मालिक को घाटा होता है, और जब मिल मालिक को घाटा होगा तो वो किसान को पैसा दे नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग जब देखते हैं कि 41-42 रुपया से ज़्यादा बढ़ने लगता है तो हम लोग जो है मिल मालिक को चेतावनी देते हैं कि आप इस पर जो है रोक लगाओ, नहीं तो जो है फिर हमारे पास में इम्पोर्ट जो है करने का जो है तरीका है, जो स्टॉक लिमिट है वो भी तरीका है। अभी आपने चीनी का इम्पोर्ट जो है खोला, करीबन 5 लाख टन के आसपास की चीनी इम्पोर्ट के आपने इजाज़त जो है वो भी दी है, तो इस बार क्या प्रोडक्शन कम लगेगा, कम रहेगा? नहीं, प्रोडक्शन कम नहीं है हमारे पास में, जो पिछला बार का यदि आप देखेंगे तो 77 लाख टन जो है वो अक्टूबर 16 में 77 लाख टन हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक्स था, और 203 लाख टन चूँकि एस्मा वालों ने कहा था पहले कि 233 लाख टन प्रोडक्शन होगा, फिर बाद में कहा 213 लाख होगा, बाद में कहा 203 लाख, तो हम 203 ही लाख मान के चलते हैं, तो 203 लाख टन भी होगा तो 280 लाख टन हमारा जो है सालाना हो जाता है अक्टूबर से अक्टूबर तक में। हमको खपत जो है वो 245 लाख टन है, तो 245 लाख टन को घटा दीजिए 280 लाख टन में, तो 35 लाख टन बच जाता है, तो 35 लाख टन में अक्टूबर के महीने में एक महीने में हमको 20 लाख टन की आवश्यकता होती है, तो अक्टूबर में जो हमारा प्रोडक्शन का अनुमान है वो 2 लाख टन है, तो अक्टूबर का महीना तो चलो उसमें से 20 लाख टन निकल जाएगा, फिर नवंबर से हमारा क्या कहते हैं 20 लाख टन पैदावार होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमारे पास में जो है चीनी की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे इलाके हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पानी कम हुआ है, तो वहाँ कहते हैं कि फसल कम हुआ है, तो उन इलाकों में जो है चीनी का स्कार्सिटी नहीं हो, वहाँ कमी नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने जो है एक्स्ट्रा क्या कहते हैं कि 5 लाख टन चीनी का इंपोर्ट करने का आदेश दिया है। ये इस मार्च का डाटा जो है आपको लग रहा है विश्वसनीय है, क्योंकि पहले उसने कहा 233 होगा, फिर 213 कर दिया, 203 कर दिया, आपको लग रहा है उनका डाटा किसी तरह से नहीं, इसी तरीके चलते रहता है, इसलिए हमने बीच में डाटा भी था कि भाई आप जो है तो बोलो मत, बोलो तो सही बोलो। अच्छा, एक चीज़ और है दाल के दाम को लेकर के, दाल के दाम काफ़ी गिरे हुए हैं, एमएसपी से भी काफ़ी कम आ गए हैं, किसानों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने भी आपसे मुलाकात की, दाल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की उन्होंने भी मांग की थी, 10% से बढ़ा करके 25% कर दी जाए, उसको लेकर कोई फैसला अभी तक हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं अभी तक तो नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने जो अरहर का दाल है उसको 10% जो है हम लोगों ने इम्पोर्ट ड्यूटी क्या कहते हैं कि बढ़ाया है, बाकी हमारे विचाराधीन है। और आपको मालूम है कि एक समय में जो है अरहर का दाल जो है उसको तूर कहते हैं 200 रुपये किलो तक चला गया था, अब जो है उसका दाम जो है बहुत शिकायतें मिली कि एमएसपी से कम है, किसान तो, काफ़ी परेशान है उसको किसान लेकर के, हाँ, हाँ तो उसमें जो है हम लोगों ने आपको याद है कि दाल के बफर स्टॉक को हमने इसलिए बनाया था कि दाल को खरीद करके हम जो है लोगों को उचित दर पर बेचने का काम करें, लेकिन अब जो है उल्टे हो गया कि अब जो है किसान जो है एमएसपी से कम प्राइस पर बेचने लगे, तो फिर हमको हम लोगों को किसान से ख़रीदना पड़ा, और किसान से ख़रीदने के बाद हम लोगों ने जो है 22 मई तक जो है अंतिम तिथि जो है 22 अप्रैल तक था, तो जो किसान था चूँकि खरीद जो है शुरू हो रहा था नवंबर दिसंबर से, तो इसलिए किसान ने तो सब बेच दिया, अब किसान के पास में नहीं है, अब जो लोग बेचना चाह रहे हैं वो व्यापारी लोग हैं जिन्होंने किसान को सस्ते दर पर खरीद लिया और एमएसपी के रेट पर बेचना चाहते हैं, तो उसी संबंध में आए थे, अब महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा था, तो उनका कहना था कि 22 तारीख तक जो है जिन लोगों ने पैसा जमा कर दिया है, दाल क्या कहते हैं कि मंडी में ले आया है,
उनको क्या कहते हैं खरीद लीजिए, तो हम लोगों ने उसको खरीद लिया। प्याज का किसान जो है वो भी काफ़ी परेशान है, प्याज के दाम उसको सही नहीं मिल रहे, तो क्या उनकी मदद की जाएगी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से, वो प्याज जो है खरीदा जाए? हम लोगों ने पिछली बार खरीदा था, जब जब भी वैसा मौका आता, देखिए हमारे पास में जो सब्सिडी के तहत पैसा आता है वो 1,40,000 करोड़ आता है जो हम सब्सिडी में देते हैं, बाकी ये मान लेते हैं कि जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है तो उसके लिए क्या कहते हैं कि अलग से पैसा आता है, तो उसके तहत हमको, हम पिछली बार भी जब प्याज का मामला आया था तो हम लोगों ने प्याज का खरीद किया था, जब भी वैसा सिचुएशन आएगा खरीदेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बदलाव आपके मंत्रालय की तरफ से पुश किया जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2016, उसको लेकर के क्या स्टेटस है, कब तक होगा, क्योंकि उससे काफ़ी उम्मीदें हैं ग्राहक को, उपभोक्ताओं को, कि कब आएगा वो बिल, काफ़ी टाइम से वो डिले हो रहा है। हमारे जो है कंज्यूमर डिपार्टमेंट में एक तो BIS था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो प्रधानमंत्री का है मेक इन इंडिया, तो स्टैंडर्ड को मजबूत करना, तो इसको इस स्टैंडर्ड को हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया है, और IS जो है इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो जो है बिल पार्लियामेंट में पास हो गया, एक्ट भी बन गया है, अब रूल्स वगैरह बन रहे हैं। दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो है वो 2015 में हमने पार्लियामेंट में पेश किया था, चूँकि अभी जो बिल है वो 1986 का है, 31 साल हो गए हैं, तब तक में सारा का सारा मार्केट का सीनेरियो सब चेंज हो गया है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में जब बिल पेश हुआ तो उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया, और स्टैंडिंग कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट दी, तो जो अनुशंसा उन्होंने किया उसमें बहुत अच्छा अनुशंसा है, लेकिन काफ़ी उसमें उन्होंने संशोधन किए, फिर हम लोगों ने वेबसाइट के ऊपर में और भी इस तरीके से सुझाव लिए, तो कुल मिलाकर के अच्छी संशोधन उसमें करना पड़ा, तो उसको हम लोगों ने फिर से जो है लॉ मिनिस्ट्री के पास में भेज दिया है, और लॉ मिनिस्ट्री इसको देख रही है, हमको लगता है कि अगला पार्लियामेंट के सेशन में बिल आ भी जाएगा और पास भी हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें कही गई उसमें, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको उस दायरे में जो है वो लाया जाएगा, तो ये सब उस बिल के अंदर नहीं, उसमें कही है कि चाहिए। पहला तो ये है कि हम लोग जो कंज्यूमर कोर्ट है उसको सरल कर रहे हैं, जो कंज्यूमर कोर्ट है उसमें अभी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो एक तो उसको हम लोगों ने राज्य सरकार से और सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी कहा है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट हैं, स्टेट लेवल के कोर्ट हैं, नेशनल लेवल के कोर्ट हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहते हैं होना चाहिए, कहीं क्या कहते हैं कि वैकेंसी वगैरह नहीं रहनी चाहिए। दूसरा है कि जो दायरा है, पहले 20 लाख तक का दायरा था डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट फोरम उसको कहते हैं, उसको बढ़ा करके 1 करोड़ किया, स्टेट का था 1 करोड़, उसको बढ़ा कर 10 करोड़ किया, और उसके ऊपर से नेशनल का है। दूसरा है कि जो भी कोर्ट है उसमें हम लोगों ने कह दिया वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने से भी जा सकते हो, कर सकते हो वकालत। तीसरा हम लोगों ने किया कि मीडिएशन कर सकते हो, आपस में समझौता किसी स्टेज में कर सकते हो। चौथा हम लोगों ने कहा कि कोई यदि जूनियर लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और हाई कोर्ट से हार जाता है तो वो जो है दोनों कोर्ट से लगातार हार जाएगा, तो उसको जो है वो ऊपर के कोर्ट में अपील करने का अधिकार जो है वो नहीं रहेगा। चौथा है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मामला है, तो उसमें क्या कहते हैं कि जो बेनिफिशरीज हैं, एक तो है जो प्रोडक्ट सामान बनाता है, दूसरा सेलिब्रिटीज हैं, तो उन दोनों के संबंध में भी जो है मेन हमारा जो फोकस है, जो सामान बनाता कुछ है, लिखता कुछ है, उसके ऊपर में सेलिब्रिटीज का इतना ही हमारा कहना है कि जो चीज़ लिखा हुआ है वही आप बोलो, उसके अलावा आप क्या कहते हैं कि यदि एग्जरेट करते हो तो वो ठीक नहीं है। तो इस तरीके से जो है जैसे हॉल मार्किंग का है वो भी हम लोग कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो नया जो हमारा बिल जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो है वो बहुत ही क्रांतिकारी है, और उसमें ई कॉमर्स का भी मामला है, जैसे आप जानते हैं कि अभी जो है लोग आप मोबाइल से हो या कंप्यूटर से हो अपना आप ऑर्डर देते हैं, अब शिकायत मिलती है कि जो आपने ऑर्डर दिया वो सामान नहीं आया, जितना का दिया उतना नहीं आया, कभी कभी मालूम होता है कि जो कंपनी है वही जो है फॉल्स कंपनी है, तो इसको जो है जो एक हमारा उसमें नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसको ये सारा का सारा अधिकार दिया गया है कि सामान बेचने के पहले, सामान बेचने के समय में, सामान बेचने के बाद जो भी क्या कहते हैं कि शिकायत आवे
उस शिकायत को क्या कहते हैं कि वो देखने का काम करेगा। और ये जो उनको यदि इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है, वो लाइसेंस सीज भी कर सकता है, सामान वापस भी ले सकता है। एक हमारा है क्लास एक्शन है, जैसे अभी जैसे सपोज चीजें कोई गाड़ी का इंजन है तो गाड़ी का इंजन ख़राब है तो वही उसी को एक क्लास सूट एक्शन नेस्ले मैगी के खिलाफ भी लिया गया था, तो उसमें अब तक क्या स्टेटस है कुछ मुझे दिखा है? मैगी के खिलाफ एक मैगी का चल रहा है, अभी तो चल रहा है ना, चूंकि उसका तो दोनों तरफ चल रहा था ना, कोर्ट में भी चल रहा था, इधर भी कंज्यूमर कोर्ट में है, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में अभी पेंडिंग है। तो इसलिए जो है जो हमने मतलब क्या जजमेंट है वो नहीं है, लेकिन उसको अधिकार है देखने का कि जैसे गाड़ी का इंजन यदि खराब है तो एक ही गाड़ी का इंजन खराब नहीं है, उस लॉट का जितना इंजन होगा खराब होगा, इसलिए उसको अधिकार होगा कि सारे के सारे क्या कहते हैं कि क्लास एक्शन ले सके। इसके अलावा अभी एफएमसीजी कंपनियों के लिए एक आपने एक मुद्दा पहले उठाया था कि जो एक्सपायरी डेट लिखती हैं वो कंपनियां, वो काफ़ी छोटे अक्षरों में लिखी रहती है, वो ग्राहक को ढूंढनी पड़ती है कहाँ लिखी है, प्राइस लिखा रहता है लेकिन वो ढूंढनी पड़ती है, तो उसके बाद उसको मुद्दे को आपने आगे नहीं अभी हम पकड़े हुए हैं उसको जो है, हमने कहा कि 40% जो टोटल आपका है उसमें 40% में क्या कहते हैं कि वो डेट ऑफ एक्सपायरी क्या कहते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या कहते हैं कि ISI का मार्क कहाँ किसको शिकायत करेगा, ये सब जो है मोटा अक्षर में रहना चाहिए। हमने कहा है कि ये जो तुम ऊपर से जो कागज़ चिपकाते हो इसका तो कोई है नहीं, किसी भी एक बोतल का पानी है दूसरे बोतल में जाके चिपका दिया, तो अभी तक कंपनियों ने माना नहीं है इस बात को? नहीं, कुछ शुरू कर दिया है। अच्छा, कब तक आपको लग रहा है कि ये आप गाइडलाइंस दे देंगे? अभी हमने अगला महीना बैठक रखी है, अगले महीने बैठक रखी है। अच्छा, अगले महीने आपने बैठक रखी है, और खासतौर पर ये जो आता है सामान तो एक्सपायर होने को आता है तो कंपनियां उसकी सेल लगा देती हैं, हमने सेल लगा दिया। नहीं, वो तो बिल्कुल उसमें तो आजीवन कारावास भी हो सकता है, यदि आपने कोई ऐसी दवाई के दिया और जो मेडिसिन क्या कहते हैं कि लाइफ के लिए क्या कहते हैं कि जानलेवा है, तो उस पर तो उसमें तो क्या कहते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री का है, उसमें तो करीब से जाके व्यवस्था है। देखिए, कंज्यूमर कोर्ट की आपने बात करी, कंज्यूमर कोर्ट में काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, काफ़ी सारी वैकेंसियाँ जो हैं वहाँ पे भी हैं, तो उनको आप कब तक लग रहा है कि दुरुस्त कर लेंगे उन सबको कि वहाँ पे केस भी पेंडिंग रह रहे हैं और वैकेंसी जो है? उसका सबसे बड़ी बात है कि यदि जो ही वैकेंसी पूरा हो जाएगा, एक बार वैकेंसी पूरा हो जाए तो ये बात तो सही है कि कंज्यूमर को जो जानकारी, चूँकि अब हम लोगों का क्या है कि जब हम आए थे तो कंज्यूमर हेल्पलाइन जो था, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 14 था, अब बढ़ करके 60 हो गया है। उसी तरीके से 5 रीजन में हम लोगों ने अलग अलग शुरू किया है, तो कंज्यूमर को जितनी जानकारी होते जाएगी उतना ही क्या कहते हैं कि मुकदमा बढ़ता जाएगा, और मुकदमा बढ़ता जाएगा तो फिर उसके दायरा को भी बढ़ाते रहना पड़ेगा। चलिए, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत